हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट एंड ई एस सी इन टेन मैं हूं मारुत तिवारी मैंने मास्टर्स किया है आई डी खड़गपुर से सात साल का एक्सपीरियंस है मेरा गेट और ई एस सी कोचिंग में मल्टीपल टाइम्स मैंने गेट क्रैक किया है एंड आई एम ऑल्सो द ऑथर ऑफ द बुक गेट इन सेवेंटी फाइव डेज एन अकेडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जस्ट गो टू एन अकेडमी एंड सर्च फॉर मारुत तिवारी सर्च फॉर मारुत तिवारी एंड यू विल गेट माई प्रोफाइल आप मेरे फीडबैक चेक करने के लिए जो डेडिकेशन्स हैं उन पर जा सकते हैं और सारे फीडबैक भी पढ़ सकते हैं जो स्टूडेंट्स मेरे अंडर में, में प्रिपेयर कर रहे हैं उनको किस तरह से मैं गाइड कर रहा हूँ बीज आज हम बात करने वाले हैं एक परफेक्ट प्लान के बारे में कि गेट ई एस सी और पी एस सी उसके लिए ऐसा कोई परफेक्ट प्लान है क्या जो एग्ज़िस्ट करता है और अगर ऐसा कोई परफेक्ट प्लान है तो वो क्या है अगर ऐसा कोई परफेक्ट प्लान एग्जिस्ट करता है तो वो वो परफेक्ट प्लान है क्या सो टूडे आई एम गोइंग टू रिवील दैट प्लान टू यू विद इन मैटर ऑफ टेन मिनट्स जस्ट स्टे यू एंड अबाउट इट बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हों वो मेरा मिशन डी डी आर ज्वाइन कर सकते हैं जहां हम डबल डिजिट रैंक के लिए मेहनत कर रहे हैं डबल डिजिट रैंक के लिए टारगेट कर रहे हैं फंडामेंटल्स बिल्ड करना प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना टेस्ट और क्विजेस हर वीक एक क्विज में लेता हूं और डाउट सेशंस ये सब इसके कुछ फीचर्स हैं इस प्रोग्राम के आपको बस सब्सक्राइब करना है एम टी लाइव कोड यूज करके और स्क्रीन शॉट सेंड करना है मेरे इस नंबर पर सेवन डबल जीरो सेवन टू एट नाइन फाइव वन जीरो एक साल का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर आफ्टर यूजिंग द कोड एम टी लाइव जब आप एम टी लाइफ कोड यूज़ करोगे तो आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और वो डिस्काउंट मिलने के बाद ये वन ईयर प्रोग्राम विल बी अवेलेबल टू यू एट ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड जिस इन केस मेरा कोई सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का फ्रेंड मुझे देख रहा हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दो साल का सब्सक्रिप्शन विल बी बेटर फॉर यू ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है ये ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड में अवेलेबल है और दो साल का सब्सक्रिप्शन ट्वेंटी सेवन थाउजेंड में अवेलेबल है आफ्टर यूजिंग द कोड तो ये बहुत रीजनेबल है और ये वर्थ है क्योंकि मैं आपको पूरा स्टडी मटेरियल भी देने वाला हूं आपकी डाउट क्लियरिंग पूरी की पूरी होने वाली है कोई भी सब्जेक्ट हो और अक्टूबर तक हम पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं एंटायर टेक्निकल सिलेबस इंक्लूडिंग इवन नॉन टेक ऑफ ई एस वी आर गोइंग टू फिनिश टिल अक्टूबर चलो आपको फर्दर कोई क्वेरी हो इस मिशन डी को ज्वाइन करने से लेकर आप मुझे कॉल कर सकते हो इस नंबर पर सेवन लेट्स गो अहेड जैसा कि मैंने कहा कि आज हम क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एक ये एक डाउट रहता है कि कोई एक ऐसा प्लान है जिस पर चलकर डेफिनेटली सक्सेस मिलती ही हो तो हाँ जी ऐसा प्लान है और उस प्लान का पहला स्टेज है पहला स्टेज है पहले छः सात महीने पहले छः सात महीने आपको कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी होती है आपको कोई यू you नो know, सीधे सीधे आपको टेस्ट पे नहीं टूट पड़ना होता है आपको फुल लेंथ टेस्ट नहीं देने होते हैं आपको यू नो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को एकदम रैंडम वे में नहीं सॉल्व करना होता है पहले छः सात महीने आपको न्यू बनानी है आपको आपका फाउंडेशन स्ट्रांग करना है आपको आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग करने हैं कंसेप्ट एंड मेक श्योर कि एक भी कंसेप्ट कहीं छूटने ना पाए उस सब्जेक्ट का पहले छः सात महीने सिर्फ आपको इंजीनियरिंग करनी है पहले छः सात महीने आपको एग्जाम ओरिएंटेड कुछ भी नहीं करना है आपको इंजीनियरिंग करनी है जो आपने चार साल में नहीं किया कियाफॉर्चुनेटली वो इंजीनियरिंग आपको ढंग से करनी है क्योंकि दोस्त जब आप प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपके सामने कुछ नई बातें आएंगी जो आप नोट करना चाहोगे उसके बाद शॉर्ट नोट्स उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं हर वीक मेरे प्रोग्राम में हर वीक में एक टॉपिक वाइज टेस्ट लेता रहता हूँ एवरी सिंगल वीक तो आप सोचो पचास हफ्तों में पूरे साल में पचास हफ्तों में पचास बार आप त, ये टॉपिक वाइज टेस्ट दे चुके होंगे एंड समटाइम्स अभी दो सब्जेक्ट रन कर रहे हैं तो दो 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 टेस्ट होंगे एक सोम का टेस्ट होगा हर वीक एक एफएम का भी टेस्ट होगा तो इस तरह से हम लोग भी प्रोसीड कर रहे हैं बट ये पहला स्टेज बहुत क्रूसियल है अगर आपने इंजीनियरिंग सही से नहीं की इस पहले स्टेज को हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग की आपने छः सात महीने अगर आपने, आपने आपकी न्यू को बहुत अच्छे से मजबूत नहीं किया देन बिलीव मी माई डियर फ्रेंड्स आगे कुछ हासिल नहीं होने वाला है ये सबसे क्रूसियल स्टेज है इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं दैट जब मैं कहता हूं कि कंसेप्ट आपको बिल्ड करने हैं और जब मैं कहता हूं कि प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और जब मैं कहता हूं कि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं तो ये तीनों ही बहुत जेन्यन सोर्स आपको सेलेक्ट करना होगा है ना क्योंकि कई बार क्वेश्चन ही गलत होता है और एक दो गलतियां हो तो चलता है लेकिन अगर हर क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल मिस्टेक है देन इट बिकम्स हेडेक फॉर यू इसलिए इसलिए चाहे वो कंसेप्ट बिल्ड करने की बात हो या प्ल्टी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात हो या टेस्ट देने की बात हो ये बहुत जेन्युन सोर्स सेलेक्ट करना चाहिए आपको यू मस्ट सेलेक्ट अ वेरी जेन्यून सोर्स ये नहीं कि कहीं से भी रैंडमली कुछ भी उठा लिया और करने लग गए ये सिस्टमैटिक होना चाहिए इसके बाद आता है स्टेज टू जब आप पूरी साइकिल को पूरे सब्जेक्ट्स को वन एंड हाफ मंथ्स में फिर से रिवाइज करते हो फिफ्टी डेज में आप एक क्रैश कोर्स के जैसे चार से पाँच दिन में एक सब्जेक्ट चार से पाँच दिन में एक सब्जेक्ट किया फिर आपके नोट्स को इम्प्रोवाइज़ किया उसके बाद सारे प्रॉब्लम्स नहीं

टिक करते जाना है कि हाँ ये सब्जेक्ट हो गया ये सब्जेक्ट हो गया ये सब्जेक्ट हो गया और इसमें इस स्टेज इस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें एक दिन की भी आपने लापरवाही की तो सारा प्लान गड़बड़ हो सकता है पहले स्टेज में आपके पास छह सात महीने होते हैं तो आप धीरे 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 बिल्डअप कर रहे होते हो लेकिन ये स्टेज टू में आपको सहवाग बनना होता है स्टेज टू में आपको यू नो धुआंधार बैटिंग करनी होती है इसके बाद बारी आती है तीसरे स्टेज की जो बहुत क्रूसियल स्टेज है मेरे प्यारे दोस्तों ये स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर जाकर बहुत सारे लोग हार जाते हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने पूरे साल बहुत अच्छा किया होता है लेकिन ये लास्ट के वन एंड हाफ मंथ्स वो मैनेज नहीं कर पाते हैं खुद की मेंटल कंडीशन को वो मैनेज नहीं कर पाते हैं खुद के कॉन्फिडेंस को इसलिए आप टेस्ट दो एग्जाम स्पेसिफिक स्टडी करो इसरो है तो उसके लास्ट वन मंथ में इसरो के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स पे थोड़ा फोकस करो टाइम को लेकर स्ट्रैटेजी बनाओ फ्रीक्वेंट रिवीजन शॉर्ट नोट्स का हर बार टेस्ट देने से पहले आप हर बार टेस्ट देने से पहले आप सारे ये मान के चलो कि कल ही मेरा मेन एग्जाम है तो कल अगर मेन एग्जाम होता तो क्या करते आप अब 24 घंटे में सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करते या ना करते वही करना है आपको सो so, इस लास्ट वन एंड हाफ मंथ में कम से कम आपको कम से कम दस बार गेट देना है दस बार ईएसी देना है दस बार इसरो बार का पेपर देना है दस बार तब जाके कहीं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कई लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं ये लास्ट के वन एंड हाफ मंथ में आपको आपकी प्रिपरेशन के पीक पर पहुंचना है उस समय आपको अगर आप पहले पांच पांच घंटे घंटे पांच पांच घंटे छ छ घंटे दे रहे थे तो वो ऐसा समय होगा लास्ट के वन एंड हाफ मंथ्स जब आप खुद को पॉजिटिव रखते हुए कम से कम डबल अमाउंट ऑफ टाइम डेडिकेट कर रहे होगे, तो गाइज ये है एक परफेक्ट प्लान जो आपको फॉलो करना होगा किसी भी एग्जाम में सफलता पाने के लिए और मैंने नोटिस किया है कि कहीं ना कहीं सारे ही लोग इस तरह का प्लान ही फॉलो करते हैं कि पूरे पूरे के पूरे एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी इनिंग को बिल्ड करना होता है उसके बाद उसको पेस में लाना होता है एक एक सब्जेक्ट एक एक सब्जेक्ट के साथ उसके बाद आप ग्रैंड टेस्ट्स पे आते हो और अटैक करते हो आई होप कि आपका एक ऐसा प्लान आप बनाओगे सब्जेक्ट्स को यू you नो know, रखते हुए टाइम टेबल में और उसको फॉलो करोगे ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम्स डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब फॉर द चैनल आई विल कीप कमिंग विद मोर एंड मोर सच वीडियोज थैंक यू सो वेरी मच गाइस